नमस्कार दोस्तों। हाँ, आज हम देखने आ रहे हैं डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो तो शुरू करते हैं हम आ रहे आज के वीडियो के आंसर सॉल्यूशन और गिवन। पहले अपने को गिवन डिटरमिनेंट लिखना है। 2 4 1 1 0 4 y -1 3। उसके बाद अपने को ये सॉल्व करना है इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट का पहला डिजिट लेना है, उसका रो और कॉलम छोड़ के बचे हुए एलिमेंट इसका डिटरमिनेंट लिखना है प्लस के साइन के साथ। उसके बाद दूसरा डिजिट अपने को -4, उसका रो और कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखना है 1 4 y 3। उसके बाद अपने को ये थर्ड डिजिट लेगा प्लस के साइन का, इसका रो और एक कॉलम छोड़ के 1 0 5 -1। उसके बाद आपने को ये दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 0 × 3 0 माइनस, और ये 4 × -1 -4, ये -4, 3 × 1 3 -20 +1 -1 -0, 2 (0 - 1) + 0 + 4 -3 - 20 - 17 +1। उसके बाद आपने क्या करना है, -1 - 0 - 1 - 0 क्या होता है -1, 2 (4) -4 + 17 कितना आ जाएगा, अभी 68 -1 + 68 + -1, 8 + 68 - 1 कितना होता है 76 - 1 75।